प्रेम के विषय में भगवद गीता और तुलसीकृत रामायण और भागवत और विष्णु पुराण और भी ये सब प्रेम के ग्रंथ हैं। इनके मन से प्रेम को विषय देख लेकर पढ़े भगवान में प्रेम हो सका है। और प्रेमियों को तत्व की जो पुस्तक है उसमें मेरी बनाई हुई उसमें प्रेम ही प्रेम भरे हुए। और गीता के माँ भगवान के प्रेम के विषय के भक्ति के विषय के बहुत से श्लोक है। उसमें ये दो श्लोक बहुत एक प्रकार से अच्छे हैं। गीता की 10वें अध्याय के 9 और 10 के मच्चिता मध्य प्राण बोधयंत परस्पर कथयंत मानवित तुषंती चरमंती च। जिनका मेरा में चित्त है वो मच्चिता, मेरे लिए जिनका जीवन है वो मध्य प्राण, उस परस्पर में मेरे ही गुण प्रभाव तत्व रहती बातें एक दूसरे को समझाते रहते हैं वो बोधयंत परस्पर। और कथयंत मान नित्यम और सदा मेरे भक्तों के बीच के माँ मेरे गुण प्रभाव तत्व रहती बातें कहते रहती हैं। और कथयंत मान नित्यम तुषंती चरमंती से, और इस प्रकार से मेरे में भक्ति करते हुए हर वक्त मेरे में मस्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, आनंद के माँ मगन रहते हैं, वो पुष्टि और मेरे में रमण करते हैं। तेषांग सदस्य युक्ता नाम भजतांग प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तंग ये न माम उपयाति थे। उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ कि जिससे मुझ परमात्मा को तत्व से जान जाते हैं और जान करके मुझको प्राप्त हो जाते हैं। ये शब्दार्थ आपको बताया, इसका विस्तार मनुष्य इतना कर सकता है। मच्चिता माने मेरे में जो कुछ चित्त हर वक्त निवास करे है, जैसे गोपियों को चित्त भगवान में ही निवास करते थे, मन से हर वक्त मेरे ही स्मरण करे, रात में सोने के समय में मन ही याद करके वो सोए, मेरे नाम रूप और लीला को याद करते वो शयन करे, मेरी गुण प्रभाव तत्व रहस्य को याद करते वो शयन करे, और काम करते समय के बीच के वहां मेरे में ये वो चीज बस है। जैसे व्यवहार करने वाली जार स्त्री को मन अपने उपपति के मन निवास करे है, इस तरह से मेरे में जब वो चित्त निवास करे गुप्त रूप से और दूसरे को प्रकाशित न हुए, मेरे जब और ध्यान के मां मस्त रहे और वो खुद ही जाने और दूसरे को ही नहीं जाने, और मन से मेरी लीला को देखते रहे, मानो भगवान कृष्ण में भक्ति हो तो भगवान श्री कृष्ण मानो मेरे आंगन के मन ही आपने तो खेल रहे हैं, नाचते गाते और बजाते रहते हैं, अपने मन रूपी नेत्रों से इस प्रकार से देखते रहे, जिनको चित्त मेरे में ये सुनिवास करे मच्चिता मध्य प्रणा, जिससे मेरे विरह की व्याकुलता में जिनके प्राण तृप्त रहे, जैसे मछली के प्राण जल के बिना तृप्त रहते हैं, जल के बिना
कट करके मर जाती है। मच्छी के प्राण जो है जलगत है, इसी प्रकार से जिनके प्राण मदगत है, जैसे भज्जी के प्राण भगवान राम के ही अपने मेरे में व्याकुल थे, बीते अवधि रहे जो प्राणा अधम कमल जग मोहि समाना। अब जी के बीतने पर भी देह में प्राण रह जावे तो समझना चाहिए मेरे समान कोई पापी नहीं है। भगवान के विरह के व्याकुलता में जैसे रुक्मणी जी व्याकुल हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण जी उनको ले आए रस में बैठाकर, जो भगवान के लिए तरसते हैं उसको भगवान मरना नहीं देते, वहां पहुंचते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से थी भगवान के विरह की व्याकुलता के मां, जिसको चैन नहीं पड़ती, रात को नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, उसी के लिए वो पागल सा फिरता रहता है वो मदगत प्राणा। और बोध यंत्र परस्पर एक दूसरे को पुरुष आपस में मिल करके काम में बैठ करके और एक दूसरे को भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य के तत्वों को समझाते रहे। भगवान में अनंत गुण है, दया प्रेम आदि, उनके तत्व रहस्य को समझाते रहे परस्पर के बीच के मां, भगवान की लीला के रहस्य को समझाते रहे। स्त्रियां आपसी मस्त्रियों को इस प्रकार से समझाती रहे, जैसे गोपियां आपसी में एक दूसरी गोपी को समझा करती थी। वो बोध यंत्र है परस्पर, माने उसको बोध माने ज्ञान करानो, उस परमात्मा के तत्व रहस्य को समझानो, भगवान के प्रेम के तत्व रहस्य को एक दूसरे ने समझावे, उसके प्रभाव को एक दूसरे को समझावे। तो ये जो समझानो है परस्पर के बीच में वो बोध यंत्र है परस्पर। और कश्यंत मांग नित्यम, भगवान के प्रेमी भक्तों के बीच में भगवान के प्रेम की बातें, भगवान के प्रभाव की बातें, गुणों की बातें दूसरे को समझावे कहें। भगवान के नाम रूप और लीला धाम की बातें, भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातें बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से युक्त होकर के और वाणी के द्वारा दूसरों को कहें, प्रेम में मुग्ध होकर कथा के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, किसी भी प्रकार से प्रेम के मां मुग्ध हो जावे और रोमांच होने लगे और गदगद होकर के कहे, कश्यम कश्य मांग नित्यम त्रिशंती छह रमंती से, इस प्रकार से ती कहकर के संतुष्ट हुए, आनंद की मां मस्त रहे, शांति और आनंद के सागर के मां हर वक्त मगन रहे, उत्तुषंती छह रमंती छ कश्यम कश्य मांग नित्यम। ये जो नित्य शब्द है तुषंती के साथ में अधिक घटे है, क्योंकि हर वक्त संतुष्ट तो रह सका है, हर वक्त कथन करना कठिन है और दोनों के साथ में भी जोड़ सका है। कथन तस्य मान नित्यम तुषंती क्या रमंती है, तुषंती के साथ में भी और चैदे और रमंती के साथ में भी, तो नित्य रमन कैसे हुए, इस तो मन से अपने मन और बुद्धि को और इंद्रियों को जो भगवान में लगाना है, यही भगवान के वहां रमन करना है।
भगवान के चरणों को स्पर्श कर करके और आनंद का अनुभव करना है, आनंद में मगन होना है, रस का आस्वादन लेना है, वो हाथों के द्वारा भगवान के मां रमन है। और भगवान की वो वाणी सुन सुन करके मुग्ध होना, भगवान की बंसी की धुन में मगन होना, भगवान की वाणी जो है बहुत ही कोमल और सुंदर है, मधुर है, उस मधुर रस का आस्वादन लेना, उस मधुर रस का कानों के द्वारा पान करना, ये कानों के द्वारा रमन है। और भगवान के मुख कमल को देख कर करके और उसका आस्वादन लेना, नेत्रों से नेत्र मिला कर करके भगवान के नेत्रों में जो प्रेम भरा हुआ है, उसमें ज्ञान भरा हुआ है, उसको देख देख करके आनंद के मां मुग्ध होना, प्रेम के मां मुग्ध होना, ये नेत्रों के द्वारा भगवान के मां रमन है। भगवान दिव्य है, उसमें दिव्य गंध आती है, वे अपन समझो कि सारा शरीर उनका गंध रहे है, वो अलौकिक गंध है, ये संसारी गंध के समान नहीं। और उस गंध का आस्वादन लेना, उसमें मस्त होना, ये नासिका के द्वारा रमन है। और भगवान को ही हर वक्त चिंतन करते रहना, जैसे मच्चिता में बताया, भगवान का ही मनन करना, चिंतन करना, स्मरण करना, मन से भगवान के नाम का, रूप का, गुणों का, प्रभाव का, तत्व रहस्य का, लीला का, इस प्रकार स्थिति हर वक्त मन के मां मनन करते रहना, हर वक्त भगवान की लीला देखते रहना, मन से थी भगवान का ऐसे मन रूपी नेत्रों से ऐसे आपने देखते रहना, ये मन के द्वारा रमण है। और बुद्धि से भगवान के तत्व है इसको समझते रहना, भगवान के साकार निराकार सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्व है इसको समझते रहना, और इसी में बुद्धि को लगाए रखना, ये बुद्धि के द्वारा रमण है। मन बुद्धि इंद्रिया भगवान के मां लगाकर चेष्टा करना, ये भगवान के मां रमन है। और इससे मस्त रहना, तुष्टंती च रमंती च तेषां सतत युक्तानां, तेषां पूर्व पूर्व में जिनका विवरण आया है, जो भगवान के मां हर वक्त इस प्रकार से लगे हुए हैं निरंतर, तेषां सतत युक्तानां, जो सतत मन निरंतर जो मेरे में लगे हुए हैं, भजतां प्रीति पूर्वकम, ये मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा प्रेम पूर्व जो भजते रहना है, उसको कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वकम भजतां, जो प्रेम पूर्व जो मुझको भजते हैं, मन बुद्धि और इंद्रियों से जो मुझको भजते हैं, ऐसे जो मेरे प्रेमी भक्त है, उनको मैं वह बुद्धि योग यानी ज्ञान देता हूँ, जिस ज्ञान के द्वारा मुझ परमात्मा के साकार निराकार सगुण निर्गुण तत्व को समझ करके जो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो दो श्लोक है भगवान के प्रेम के विषय के प्रधान है, ये केवल भक्ति है, ये भक्ति प्रधान कर्मयोग से भी ऊपर की चीज है। भक्ति प्रधान कर्मयोग में तो अपने कर्म रहता है, जैसे यत करोषि यदस्मासि यज्जुहोषि ददासि यत यत तपसि कौन्तेय तद कुरुष्व दर्पणम्। अर्जुन जो भी कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, दान देता है, तप करता है आदि, और भी जो शास्त्र विहित कर्मों का आचरण करता है, वो सब तू मेरे अर्पण कर दे। तो मेरे अर्पण करने से शुभ और अशुभ कर्मों के फल के
बंधन से रहित होकर के तू मुझ को प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से भगवान इसका फल बतला है। तो ये भक्ति प्रधान कर्म योग है, इसमें भक्ति की प्रधानता है और अपने जो क्रिया है जगदान तप आदि वो भी साथ के मां है, वे द्वार है, इसलिए इसमें भक्ति की प्रधानता है, प्रक्रिया की गौणता है। किंतु ये जो दो श्लोक है इसमें तो भक्ति ही भक्ति है। जैसे गीता की 9वीं अध्याय के अंतिम श्लोक में शरणागति कोई भाव है, शरणागति भगवान के मां भक्ति एक ही चीज है। तो भगवान में प्रेम होने के लिए बहुत से उपाय बतलाए हैं, भगवान की शरण होना भी एक प्रकार से भगवान की अनन्य भक्ति ही है। और जिस प्रकार से थी भज्जी महाराज को भगवान के मां प्रेम थो, ऐसो प्रेम हो उत्तम हृदय की भक्ति है, उसके लिए लालायित रहो कि मेरो ऐसो प्रेम भगवान में कैसे हुए। यो भी एक प्रेम को बहुत उत्तम दर्जे को उपाय है। यह हर वक्त हृदय में लगन देवे कि भगवान के वहां अनन्य प्रेम कैसे हो। इसके लिए मनुष्य पागल होकर के रहे तो यो भी एक बहुत उत्तम दर्जे को उपाय है। दूसरा उपाय यो है, जो भगवान के भक्त हैं उनसे भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य की बातें सुनकर के मुग्ध होना, जो भी एक प्रेम को उपाय है। और जिसमें प्रेम की भक्ति की बातें लिखी हुई है, जिसमें विशुद्ध प्रेम अनंत प्रेम की बातें लिखी हुई है, ऐसे पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके खुश होना, जो भी एक भगवान में प्रेम होने को उपाय है। और भगवान का जो जीवन चरित्र है, भगवान की जो लीला है, उसको पुस्तकों की माँ पढ़ पढ़ करके उसमें मगन होनो, भगवान के जो उत्कोटि के भक्त हुए प्रेमी भक्त, उन प्रेमी भक्तों का जो जीवन चरित्र है उसको पढ़ना और उसके माँ मुग्ध होना, प्रेमी भक्तों का चिंतन करना, उनका चित्र जो है और चिंतन है, स्वरूप का जो चिंतन है और उनके गुणों का, उनकी अपने आत्मों का जो चरित्र है, पुस्तकों में पढ़ पढ़ कर करके मस्त होना, इससे भी भगवान में प्रेम बढ़ता है। भगवान के स्वरूप का जो ध्यान है उससे तो भगवान में प्रेम बढ़ता ही है, किंतु भगवान के नाम का जो जप है वो भी प्रेम से श्रद्धा से प्रेम में मुग्ध होकर के रहते, उससे भी प्रेम महसूस बढ़ सकता है। भगवान का जो नाम रूप गुण प्रभाव है इसका मनन करना ये विशेष बात है। और दूसरी बात यह है कि भगवान का नाम रूप और लीला धाम है, उनके अंदर प्रत्येक के अंदर भगवान के गुण प्रभाव तत्व रहस्य को समझना, ये भी प्रेम का अच्छा उपाय है। और भगवान के जो गुण और प्रभाव है उनके अंदर तत्व रहस्य को समझना, ये भी प्रेम के उत्पन्न होने का अच्छा उपाय है। और भगवान युग युग में अवतार लेकर के और अलौकिक लीला करते रहते हैं, उनके सारे चरित्र ही ऐसो लीला रूप है। जैसे भगवान श्री राम प्रकट होकर के और संसार के माँ बहुत उच्च कोटि की लीला की, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी प्रत्येक लीला के माँ मर्यादा भरी हुई है, इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं।
उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की लीला जिस जिसके साथ में हुई सभी वो प्रेम को प्रकट करने वाली और भक्त के साथ में जो इनका परस्पर में प्रेम का व्यवहार है वो और भी अद्भुत और अलौकिक है। तो इस प्रकार से थी भगवान का चरित्र भक्त का चरित्र पढ़ते रहना आंसू बहाना और बार बार हृदय में प्रफुल्लित होना और वाणी गदगद होनी ये प्रेमी के लक्षण है। न लाज तीन लोक कीन देव को कहो करे न शंख भूत प्रेत कीन देव यक्ष ते डरे सुनेन कान और की दर्शेन और इच्छना कहेन मुख और बाते भक्ति ये प्रेम लक्षणा। इस तरह से प्रेम के मगन हो जावे के लाज और शर्म को भी ज्ञान को नहीं रहे अपने को संभाल नहीं सके और न शास्त्र की मर्यादा को ही ज्ञान ले रहे लाज तीन लोक की न वेद को कहो करे वेद माने शास्त्र न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष भूत प्रेत यक्ष राक्षस सुर असुर किसी से भी जो डरे नहीं ऐसा प्रेम के मां मस्त रहे। जो लोग कुछ कर रहे हैं प्रेम के सब दूसरी बात नहीं सुने दूसरे क्या करें उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देवे और दूसरी बात देखे भी नहीं और कोई बात की मन में इच्छा भी नहीं करे और अपनी वाणी के द्वारा प्रेम के स्वाद कोई बात कहे भी नहीं ये प्रेम लक्षण भक्ति को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण बतलाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण शांति शांति शांति। प्रातः काल जो है भगवान के मां अनन्य जो प्रेम होने की बात बताई और ईश्वर के मां अनन्य प्रेम और ईश्वर की अनन्य भक्ति एक ही चीज है। नारद सुपुत्र ने यह बात बताई है ईश्वर परानुरक्ति भक्ति ही ईश्वर में जो परम अनुराग है कोई वास्तव में असली भक्ति है। ज्ञान योग भक्ति योग और कर्म योग ये तीनों ही कल्याण करने वाले हैं और ये तीनों ही शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले और तीनों ही उत्तम और तीनों से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तीनों से पापों का नाश होकर परम शांति मिल जाती है। सब बातों में ये तीनों समान है इसमें कोई भी फर्क नहीं है जैसा जो अधिकारी हो ऐसे होते हुए भी सब साधारण के लिए ईश्वर की भक्ति का जो भाव है वो प्रधान है ही। भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में और निष्काम योग में सब में भाव प्रधान है ये भी निर्विवाद सिद्ध है और ईश्वर की भक्ति वो तो भाव रूप ही है। और ये ईश्वर की भक्ति का मार्ग बहुत सुलभ है। गीता के वहां सुलभ शब्द भक्ति के लिए आए हैं 18 अध्याय के वहां एक ही दफे
गीता की 8वीं अध्याय के 14वें श्लोक में अनन चेता सततंग युवान समृति नित्य सस्यहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त सहयोगी न अनन चित हुआ सब अनन चित से भगवान कहते हैं जो मुझको नित्य निरंतर स्मरण करता है तो सांग सुल व्यापार हे पार्थ उसके लिए मैं सुलभ सहज में मिल जाता हूँ। किसके लिए तो नित्य युक्त से योगी जो नित्य युक्त योगी है उसके लिए नित्य जो मेरा स्मरण करता है भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप का जो चिंतन करता है ऐसे योगी के लिए मैं सहज में मिल जाता हूँ। यानी भक्ति योग का साधन करने वाले जो पुरुष है उसकी बात है। भक्ति साथ में लगा दे तो भक्ति योगी, ज्ञान लगा दे साथ में तो ज्ञान योगी, कर्म लगाओ तो कर्म योगी। तो यहाँ भक्ति के विषय में यह बात बताई है। जितने प्रकार के जो परमात्मा की प्राप्ति वाले साधक हैं उनमें सबसे बढ़कर के भगवान का भक्त है। यह बात भागवत में, गीता में, रामायण में सब जगह दिखलाई। तपस्वी व्योधिको योगी, ज्ञानी व्योपि मतोधिको, कर्मी व्यस्त अधिको योगी, तस्मात योगी भवार्जुन। भगवान गीता की 6वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहते हैं अर्जुन तपस्या करने वालों से योगी श्रेष्ठ है और ज्ञान का साधन करने वाले या जो ज्ञानी है अथवा जो परोक्ष ज्ञानी है, शास्त्र ज्ञानी है उसे योगी श्रेष्ठ और जो संसार में सकाम भाव से कर्म करने वाले हैं उनसे योगी श्रेष्ठ है। मतलब निष्काम भाव से कर्म करे उसको नाम योगी, निष्काम भाव से ज्ञान को साधन करे उसको नाम योगी, ज्ञान योगी वो कर्म योगी। इस वास्ते अर्जुन तू योगी बन जा, परमात्मा की प्राप्ति के साधन को नाम वास्तव में योग है, उस साधन को जो करे वो योगी। तो योगी बहुत प्रकार के होते हैं, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी।